जीपीएफ घोटाले को लेकर इन दिनों उज्जैन की भैरवगढ़ जेल सुर्खियों में है। उसी तरफ देवास जिला जेल में भी कैदियों के परिजनों से खुलेआम अवैध वसूली का मामला सामने आया है। यह सब जेल में खुलेआम चल रहा है। बंदियों से मुलाकात करने आने वाले उनके परिजनों से अवैध वसूली की जा रही है। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें परिजनों से जेल में ड्यूटी पर पदस्थ जेल कर्मी पैसे लेते नजर आ रहे हैं। दरअसल देवास जिला जेल में मुलाकात करने आने वाले बंदियों के परिजनों से मोबाइल रखने के एवज में रुपए लिए जा रहे हैं, तो जेल में बनी सेल से निकालकर बेरक में शिफ्ट करने के एवज में भी मोटी रकम वसूली जा रही है। इस काम को करने के लिए जेल में बकायदा एक कैदी को तैनात किया गया है जिसे जैन साहब कहा जाता है। जेल में जैन का जलवा ऐसा है कि जेल में कैसा और कुछ भी काम जैन साहब के पास जाओ और मोटी रकम दो तो वह काम आसान हो जाता है। जेल के जानकार बता रहे हैं कि यह काम आज से नहीं कई समय से जेल में चल रहा है जो सभी जिम्मेदारों के नॉलेज में है। इधर देवास जेल में मुलाकात करने आने वाले कैदियों से मोबाइल रखने के एवज में 20 से 30 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। जेल कर्मी मोबाइल रखने को लेकर रुपए लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। परिजनों ने कैमरे के सामने यह बात कबूल की है कि मोबाइल रखने के लिए उनसे रुपए लिए हैं। इस मामले को लेकर जेल पर जिम्मेदार कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवैध कमाई का हिस्सा जिम्मेदारों तक भी पहुंचता है। आप यहाँ जेल पे किससे मिलने आए थे? अंकल तो कितने पैसे लगे हैं आपके? 30 रुपए। काय के लिए लिए? फोन के लिए। और ये रसीद कटाई अंदर जाने के लिए इसके पैसे? नहीं, फोन के पैसे लिए आपसे? काय के लिए फोन रखा था आपने अंदर के लिए? पहली बार लिए? पहले भी लिए? नहीं, पहली बार आया। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मानपुर। कितनी दूर है यहाँ से? 150 किलोमीटर। यहाँ पे अवैध वसूली भी लपक के की जा रही है यहाँ के जो पहरी हैं इनके द्वारा। अवैध वसूली का तो मैं आपको क्या बताऊँ, आप देख रहे हो उज्जैन के जेलर के यहाँ 30-30 किलो सोना मिल रहा है, करोड़ों रुपए मिल रहा है। आदमी बेचारा अपने परिवार से मिलने आता है, अब वो जब यहाँ से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर से आता है, सारा टाइम बर्बाद करके, और यहाँ पुलिस का जवान ये कहता है कि मैं 100 रुपए लूँ तो उसकी मजबूरी है देने की, इसलिए वो तो आपने आज मैंने देखा है, अभी सुना भी सही कि वीडियो में आपने लेते देते भी देखा है, और वो भेंट में तो उनको चढ़ाना पड़ता है साहब, कहीं भी ऐसा बगैर भेंट के चली नहीं, काम नहीं हो रहा है। जब करोड़ों रुपए वहाँ की जेलर के घर से निकल रहे हैं, उसकी बेटी के यहाँ से आजकल ही 32 लाख रुपये निकले, इनकी सैलरी से हजारों गुना पैसा निकल रहा है, तो ये मध्य प्रदेश शासन ने इस पर रोक लगाना चाहिए। जेल में मिलने वाले कैदियों के अंदर भाई जो मिलने आए उन्होंने तो गुनाह नहीं करा, गुनाह तो उनने कहा आखिर परिवार का सदस्य है, इसलिए वो मिलने आते हैं, वो मिलने आते हैं तो उनकी सौजन्य भेंट कम समय में जल्दी से करा देना चाहिए। और इसमें